आपने हमेशा ये याद रखना है कि सर्च इंजन और सोशल मीडिया दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सर्च इंजन बेसिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट को इंडेक्स करता है अपने बात डेटा बेस मेनटेन करता है कि दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं और उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है वो सर्च करेगा और आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के देगा और यही काम वीडियो भी करते हैं अगर गूगल की आप बात करें तो गूगल का यूट्यूब भी है और यूट्यूब से भी वो एक्सेस करता है लेकिन गूगल बाकी वेबसाइट की बाकी वीडियोज़ की वेबसाइट से भी डेटा उठा के आपको गूगल में दिखा सकता है तो ऐसी वीडियो जो वीमियम पर पड़ी हुई है या किसी और चैनल पे पड़ी हुई है यूट्यूब पे नहीं है आपको गूगल रिज़ल्ट दिखाएगा क्योंकि गूगल एक ओपन प्लेटफॉर्म है वो कोशिश करेगा आपको बेस् बेटर रिज़ल्ट दिखाए लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो यूट्यूब की वीडियोज़ को प्रेफर करता है लेकिन अगर आप सोशल मीडिया चैनल की बात करें तो सोशल मीडिया चैनल हमेशा एक क्लोज़ प्लेटफार्म होते हैं जो भी आप करेंगे उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके करेंगे वो चाहे फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है या कोई भी और चैनल है वो असल में कंटेंट को अपने दीवारों के अंदर रखते हैं वो बाहर नहीं जाने देते तो आपको वीडियो कि जो आपकी कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है तो वो गूगल में वो तो आ जाएगी लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो फेसबुक पे पड़ी हुई है या इंस्टाग्राम पे है या, या लिंकड पे है वो पॉसिबिलिटी है कि आप गूगल में सर्च रिज़ल्ट में ना आए क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि सर्च जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं जैसे फेसबुक वो गूगल को या बाकी सर्च इजेंस को अलाउ ही नहीं करते कि उनका कॉन्टेंट क्रॉल कर सकें क्योंकि वो कॉन्टेंट अपनी वो जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर ही रिटेन रखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अगर आप ये समझें अगर आपका गोल एस है मतलब ये कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए सर्च से उन लोगों से जो एक्चुअली इंटेंट के साथ आके सर्च कर रहे हैं कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो का यूट्यूब में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज अगर आप वीडियो ओपनली लोगों को अवेलेबल नहीं करेंगे तो गूगल भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा और वो सर्च इंजन में भी नहीं आएगी तो अगर आपको वीडियो एस करनी है अगर आपको एस मतलब वीडियो से आपको ट्रैफिक लेनी है तो ठीक है आप उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पर वायरल हो रहा है वहाँ पर आप उसको कर दें लेकिन अगर साथ ही आप उसको यूट्यूब पर भी करेंगे और अगर यूट्यूब को प्रेफर करेंगे तो आपको पता है कि सर्च में वो ऑडियंस आती है जो एक्चुअली इंटेंट के साथ आके सर्च करती है जिसको कोई ना कोई चाहत होती है कि भाई मैंने ये ढूंढना है वो जो चाह होती है उसकी वजह से वो कन्वर्जन बढ़ जाती है तो वो कन्वर्जन आपको कहीं और नहीं मिलती क्योंकि सोशल मीडिया में सर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आप सिर्फ लोग सर्च करते हैं आप ग्रुप सर्च कर लेते हैं पेज सर्च कर लेते हैं आप कोई नीड सर्च नहीं करते जब भी आपने नीड सर्च करनी होती है आप गूगल पर जाते हैं क्योंकि तो गूगल आपको वो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला के देता है तो सर्च इंजन में सोशल मीडिया में जो डिफरेंस है वही वीडियो के परस्पेक्टिव से भी एग्जिस्ट करता है कि वीडियो सर्च इंजन में डिफरेंट तरह से वो आपको रिज़ल्ट देगी और फेसबुक में वो डिफरेंट होगी तो अगर आप एज अ ब्रांड साइड यानी कि अगर आप वीडियो मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को ऐसी जगह पे अपलोड करेंगे जहाँ पर वो सर्च इंजन में आ सके जो कि यूट्यूब है यूटूब से बेहतर अभी कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म डिफरेंट वजह से मशहूर हैं लेकिन आम लोगों के लिए जो फ्री चैनल अवेलेबल है वो यूट्यूब है यूट्यूब से आप पैसे भी बना सकते हैं वो एक डिफरेंट पूरी डिस्कशन है लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी यूट्यूब यूज़ करें तो आपके लिए वो इनफ़ होगा और इससे फ़ायदा भी ये होगा कि जब गूगल में कोई ऐसी चीज़ सर्च करेगा जो आपके आपके बिजनेस से रिलेटेड है जिसके ऊपर आपने वीडियो कंटेंट क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब की वीडियो उसको नज़र आ जाएगी और वो यूट्यूब से जाके सर्च करे या वो गूगल पर सर्च करे दोनों एंगल्स पे दोनों जगहों पे उसको वो वीडियो नज़र आएगी जबकि फेसबुक में जो वीडियो होगी वो सिर्फ उन तक ही पहुँचेगी जो आपके फॉलो करते हैं या फिर आपको ऐड लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग देख सकें तो ये मेजर डिफरेंस है वीडियो का सर्च के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियो का सोशल के ऊपर तो आपने वो सोशल चैनल्स और सर्च मीडियम जो दो मीडियम्स के हम डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करना है सोशल में सर्च नहीं होती सर्च में सोशल नहीं है तो दोनों चीज़ों के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं अगर आपने इंटेंट फोकस करनी है क्योंकि हम ऐसी कोर्स कर रहे हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि सर्च हमेशा बड़ी होती है फॉलोइंग जितनी मर्जी हो जब ज़रूरत जब लोगों को ज़रूरत होगी तब वो सर्च करेंगे जब सर्च करेंगे ज़रूरत के वक्त ही वो कन्वर्ट भी होंगे तो सर्च को कभी आपने मिस नहीं करना और अपनी वीडियो कंटेंट को सर्च फ्रेंडली रखना है आपने